मुझे पता है कि आप इस तरीके के कई वीडियो पहले देख चुके होंगे जिसमें किसान आंदोलन और सरकार के बारे में बात की गई होगी, लेकिन इस वीडियो में हम किसान आंदोलन के सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए थे जिससे कि ये आंदोलन रोका जा सकता था और किसानों का भला किया जा सकता था। संविधान की 7वीं अनुसूची में कृषि, कृषि शिक्षा, पशुपालन, मनी लेंडिंग और एसेट्स को शामिल किया गया, जो सब एक स्टेट के क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल्दबाजी में राज्यों की सहमति के बिना इस कानून को लेकर आ गए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वामीनाथन रिपोर्ट और विपक्ष पार्टियों के मैनिफेस्टो पर ध्यान दिया, ना कि राज्य के विषय पर ध्यान दिया। अगर राज्यों की सहमति के साथ ये कानून लाया जाता तो शायद इस आंदोलन को रोका जा सकता था। दूसरी बात, कि आंकड़ों के मुताबिक केवल 6% किसान ही है जो मंडी पर जाते हैं। मतलब ये है कि किसान पहले से ही ओपन मार्केट में अपनी फसल को बेच रहे थे, तो फिर पुराने सिस्टम को सुधारने के बजाय इस नए सिस्टम को लाने की जरूरत क्या है। तीसरा जो मसला है वो स्टॉक को लेकर है। अब तक 1955 के नियम के मुताबिक सरकार अत्यंत उपयोगी वस्तुओं को स्टॉक, उनकी बिक्री और उनके रेट तय करती थी। चूंकि प्राइवेट प्लेयर और डिजिटल कंपनियां जब मार्केट में आएंगी तो वे ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करेंगे, जिससे कि कृत्रिम महंगाई बढ़ेगी, और सरकार ने इसको लेकर कोई अपना पक्ष नहीं रखा है। आज मेडिसिन, रिटेल, OTT और IT जैसे सेक्टर में इंटरनेशनल कंपनी और डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं। चूंकि इनसे सरकारी कंपनियां घाटे में हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में खेती का क्या हाल हो सकता है। अगला जो मसला है वो MSP का है। MSP एक न्यूनतम मूल्य होता है। ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक सरकारी एजेंसी है जो MSP पर किसानों से अनाज को खरीदती है और बाद में PDS के द्वारा भेजती है। 2015 में आई स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक केवल 6% ही किसान है जो MSP पर फसल को बेच पाते हैं। 2018 में नीति आयोग एक रिपोर्ट लेकर आया था जिसके मुताबिक 81% किसान ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि सरकार MSP भी जारी करती है। इसके अलावा MSP सिर्फ 24 फसलों के लिए जारी होता है, जबकि हमारे देश में 150 से ज्यादा फसलें लगाई जाती हैं। बेहतर होता MSP की कंडीशन को सुधारा जाता, सरकार इस पर काम करके किसानों को अश्योर्ड कर सकती थी आने वाली फसल को बोने के लिए। आज के पहले तक आपने कई हिंदी फिल्मों में रूरल इंडिया और किसानों की तंग जिंदगी के किस्से तो देखे ही होंगे। 2014 में मोदी गवर्नमेंट एक कृषि अधिग्रहण कानून लेकर आई थी, जिसे कि बाद में रद्द करना पड़ा था। सरकार उससे सीख ले सकती थी, इस बिल को संसदीय समिति के माध्यम से लेकर आ सकती थी, क्योंकि इसमें इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया गया जो कि इसको शंका से भर देता है। इसे सुधारा जाता तो ज्यादा बेहतर होता। आंकड़ों के मुताबिक देश की GDP में कृषि का योगदान 16 से 18% के बीच में है, लेकिन देश की आधी आबादी कृषि कार्य में जुटी हुई है। सरकार इस बिल के द्वारा प्राइवेट प्लेयर को लेकर आ रही है, क्योंकि इससे परंपरागत और लंबे समय से चले आ रहे रोजगार खत्म होंगे। सरकार का इस बारे में कोई भी स्टैंड नहीं है। बेहतर होता कि जाने वाले रोजगार की बजाय नए रोजगार कैसे सृजित होंगे, इसके बारे में भी सरकार अपना स्टैंड रखती। आंदोलन से सिर्फ सरकारें बदलती आई है, सिस्टम नहीं बदलता है। अन्ना हजारे के आंदोलन को आप बेहतर तरीके से जानते थे। पार्टी फंड भी बहुत बड़ा रीजन है इन सब चीजों के लिए, क्योंकि कोई भी बिल कॉर्पोरेट को ध्यान में रखकर इसलिए तैयार किया जाता है ताकि वे आने वाले चुनाव में पार्टी की मदद कर सकें, और फंडिंग RTI के दायरे से बाहर आती है। ये बिल पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन इस बिल में छोटे किसानों के बारे में कोई स्टैंड नहीं है, जबकि देश के 90% से ज्यादा किसान सीमांत किसान हैं। इस बिल में ये कहा जा रहा है कि इससे सरकारी मंडी में बिचौलिए खत्म होंगे, लेकिन इस बात पर कोई स्टैंड नहीं ले रहा है कि इससे डिजिटल बिचौलिए आएंगे जिन्होंने बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को घाटे में डाल रखा। जय जवान जय किसान जैसे नारे सिर्फ किताबों तक सीमित है, जबकि हमारे देश का 75% से ज्यादा किसान अपनी खेती को छोड़ना चाहता है। हर साल हमारे देश में 10,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर लेते हैं, और हर दिन में ये आंकड़ा 28 से ज्यादा है। क्या हाल है? आज देश की पार्लियामेंट में 38% से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो किसान नेता, लेकिन उनमें से कोई भी किसानों के साथ खड़ा हुआ था नहीं मिले। वे चुनाव फंडिंग कॉर्पोरेट करते हैं, लेकिन जब वोटों की बात आती है तो ऋण माफी जैसी योजनाएं बनने लगती है। बात मंडी या ओपन मार्केट की नहीं है। 6 महीने तक लगातार दिन रात एक करने वाला किसान सिर्फ लागत के आसपास कमा पाता है। प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट एक तरफ 5G रोल आउट, नए संसद भवन और प्राइवेट प्लेयर तथा कॉर्पोरेट की कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने पर ध्यान दे रही है। बेहतर होता अगर गांधी जी के पंचायती राज सिद्धांत को इम्प्लीमेंट किया जाता।